नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 31 जुलाई 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। इस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। अब ये आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है। 2022 में वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स कब मनाया गया? तो ये जो दिवस है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, ये हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 30 जुलाई को। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की। उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है 2022 की। तो थीम है इसकी यूज़ एंड एब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये 2022 की इस दिवस की थीम है। थीम आप याद रखिएगा क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन थीम से भी एग्जाम में पूछा जाता है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जुलाई 2022 के। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया गया। 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस। 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे। 22 जुलाई को वर्ल्ड प्रिंट डे। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये मनाया गया। और फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन 30 जुलाई, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, किस राज्य में हरेली उत्सव 2022 मनाया गया? तो ये कहां पर मनाया गया? ये मनाया गया छत्तीसगढ़ में। सी ऑप्शन छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है या फिर पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। और उत्तराखंड में भारत का पहला इस्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा उत्तरकाशी में नीदरलैंड की सहायता से। महाराष्ट्र की सरकार ने जेल पर्यटन इसको स्टार्ट किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना इसको स्टार्ट किया। अब बात हुई है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम कवर कर लेते हैं। अगस्त 2021 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य में 4 नए जिलों और 18 नई तहसीलों की घोषणा की। महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च की। छत्तीसगढ़ सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बनेगा देश का 53वां टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल मातृत्व योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ ने राज्य में चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 20 अक्टूबर 2021 को श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया। मई 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना इसको शुरू किया। अब छत्तीसगढ़ की लोकेशन देखिए आप, यह है लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें तो यहाँ पे आएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। इन राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की बाउंड्री ये शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। रायपुर इसकी कैपिटल है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। अनुसुईया यूके ये राज्यपाल हैं। 1 नवंबर 2000 में फॉर्मेशन हुई थी। 28 जिले हैं और 4 नए जिले और बनाए गए, तो कितने हो गए? ये हो गए 32 जिले। 11 लोकसभा की सीटें, 5 राज्यसभा की और विधानसभा की 91 सीटें हैं। बिलासपुर में इसकी हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी। नेशनल पार्क और सेंचुरी की बात करते हैं। अचानक कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। बाउंड्री की बात करें, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इन 7 राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। थर्ड क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली 1 से 4 अगस्त 2022 तक भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे? तो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की। फिजी की कैपिटल है सुवा और फिजियन डॉलर ये करेंसी है। जापान की कैपिटल टोक्यो है और जापानी येन ये करेंसी है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है और यूरो करेंसी है। जर्मनी से आप एक पॉइंट याद रखेगा, ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा। ये काफ़ी बार एग्जाम में ये पॉइंट पूछा जाता है कि ब्लैक फॉरेस्ट ये किस देश में है, तो ये है जर्मनी में। अब बात मालदीव की हुई है तो आप लोकेशन देखिए। इंडियन ओशन में है मालदीव।
माले कैपिटल है, मालदीवियन रुपये करेंसी है, इब्राहिम मोहम्मद सोली ये राष्ट्रपति हैं मालदीव के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पर्ने वर्मा किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो ये बांग्लादेश में अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। बी ऑप्शन जो है बांग्लादेश, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और बाकी जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में कवर की है, ये आप याद रखिएगा। जापान की कैपिटल टोक्यो है और करेंसी है जैपनीज येन। अब बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, ये है बांग्लादेश, ये इसकी कैपिटल है ढाका और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी है। बांग्लादेशी टका करेंसी है अब्दुल हमीद, राष्ट्रपति हैं शेख हसीना, प्रधानमंत्री है। क्वेश्चन उठता है भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ शेयर होती है? तो पांच राज्य हैं, पांच राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल एक, आसाम दूसरा, मेघालय हो जाएगा तीसरा, मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, त्रिपुरा चौथा राज्य है, मिजोरम की कैपिटल आइजवाल, ये पाँचों राज्य हैं। तो टोटल भारत के पाँच राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत इसमें 33वें स्थान पर रहा। क्वेश्चन उठता है पहले पर कौन सा रहा? तो पहले पर रहा अमेरिका यानी यूएसए। बी ऑप्शन जो है ये फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, किस राज्य ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। गोवा की बात करें, गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया। आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया। आसाम की सरकार ने मैत्री योजना और अरुणोदय योजना इसको स्टार्ट किया। उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना इसको स्टार्ट किया। और उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मगरमच्छों की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। सेवन्थ क्वेश्चन, किस राज्य की 1545 प्राथमिक स्कूलों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के पहले चरण को लागू करने का आदेश जारी किया है? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया, मतलब मिस टाइपिंग हो गया है इसमें। ये क्वेश्चन ऐसे, किस राज्य के 1545 सरकारी प्राथमिक स्कूलों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के पहले चरण को लागू करने के आदेश जारी किया गया है? ये जो सरकार शब्द है ना, ये यहाँ पर आएगा, ये आप याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ए ऑप्शन सेवन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है, यह आप याद रखिएगा। और तमिलनाडु में ही भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये भी बनाया जाएगा, ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। ए ऑप्शन तमिलनाडु, ये सेवन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। एट्थ क्वेश्चन, देश में बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक ने सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो जिम्बाब्वे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कैपिटल है जिम्बाब्वे की हरारे, यूएस डॉलर करेंसी है, प्रेजिडेंट है एमरसन नांगुआगुआ। ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप फिर भी एक बार नज़र में रखिएगा। नामीबिया की कैपिटल विंडहॉक है, प्रेसिडेंट है हेज गिंगोप। पेरू की कैपिटल लीमा है, करेंसी सोल है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है और करेंसी क्या है? यूरो। ए ऑप्शन जिम्बाब्वे एट्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन, भारतीय नौसेना को 28 जुलाई 2022 को कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किस देश से 2 MH-60R बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए? तो अमेरिका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सी ऑप्शन नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम, करेंसी यूरो है। जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी जैपनीज येन। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन DC, करेंसी US डॉलर, प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है और करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सी ऑप्शन अमेरिका, ये नाइन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। टेंथ क्वेश्चन, खबरों में रहा तड़ुवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में है। बी ऑप्शन टेंथ क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे। 2022 में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 28 जुलाई को। किस राज्य में चंद्रशेखर आजाद की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी? मध्य प्रदेश सही आंसर है। किस देश में एक दुर्लभ शुद्ध गुलाबी हीरा मिला है जिसे 300 वर्षों में पाया गया सबसे बड़ा हीरा माना जाता है? अंगोला सही आंसर है। किस राज्य के पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट के को रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली? तमिलनाडु सही आंसर है। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को छोड़ने का फैसला किया? रूस सही आंसर है। 2022 में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? तो ये 28 जुलाई को मनाया गया। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? किस राज्य में पहला महिला बैंक खुलने जा रहा है? DP वहलोंग किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? किस राज्य के कारी
करिकली पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली है। नशा मुक्त भारत अभियान में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट किसे चुना गया? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।